जंग मुक्की नूं तां 3 वरे हो गए ने ते हाले तीजी जंग ना ही शुरू होवे तां चंगा, पर हुण अपनी जंग जीती गई समझ। बेगा, ये सब हमारी कोशिशों की वजह से है। इधर हम दिन रात वायरलेस पे काम करते हैं, अंग्रेज के कहने को कभी नहीं मोड़ते। अगर आप ही अंग्रेज नहीं जीता तो गोरे का मुंह काला हो जाएगा, साला ब्लडी ब्लैक। सरदार मक्खन सिंह, मैं जंगे आजादी की गल करदा, हुण तां अपने मुल्क आजाद हो गए ने। मैं तां तैनू दसण ही आया भाई भी मैं परजाई ते तेरे न्याणियां नूं सही सलामत अमृतसर पहुंचा आया। अमृतसर? अमृतसर में क्या है? लाहौर में कोई बीमारी फैल गई है क्या? आहो, एहो समझ के लाहौर विच कोई बीमारी फैल गई है। अरे, फिर तो अमृतसर में भी पहुंच जाएगी। सुना है आजकल तो बीमारियां वायरलेस की तरह पहुंच जाती हैं, बिना तार के। फौजिया, बीमारी तो अमृतसर विच भी है, पर उत्थे परजाई महफूज है, उसनू कोई खतरा नहीं। अरे, फिर तुम भी वहीं रहते, तुम क्यों यहाँ पर आ गए हो? सोचता था मैं भी यह हुआ के बीमारी इन्नी अजीब क्यों है, उसनू लाहौर तो खतरा है ते मैनू अमृतसर तो। असल वाली, या तो तुम पागल हो गए हो या हमको पढ़ा रहे हो। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ पर महफूज हूँ, मुझे कहाँ खतरा नहीं? बोलो, बोलते क्यों नहीं, हो गई ना टिप्पणी टैच। ठीक है, एक फौजी तो कहीं पर भी महफूज नहीं रहता, उसकी जिंदगी तो हमेशा खतरे में ही रहती है। एक मिनट, मैं अभी तुम्हारी परजाई से बात करता हूँ। हेलो हेलो हेलो, ये मेरी पागा वाली का सेट भी ना हमेशा खराब ही रहता है, उसको मेरी वायरलेस की आवाज कम सुनाई देती है। अरे, उसका कोई देसी सेट होगा। जा, उसने माँ वाली कोई अपनी ही टेक्नोलॉजी एडवांस कर ली होगी, जो उसको अंग्रेज के सेट पर एतवार ही नहीं। अंग्रेज तो जैसे बेवकूफी है। अच्छा ये बताओ, माँ को तो नहीं छोड़कर आ गए अमृतसर में? वो कहती थी लाहौर में ही मरूंगी। हम मरने के लिए उसको वापस आना पड़ेगा। अरे बुढ़ी उम्र में क्यों तकलीफ देते हो, मेरी माँ को कोई बीमारी नहीं लग सकती। अंग्रेज और मेरी माँ की हड्डी बखरी है। बोलो, माँ कहाँ है? मखना, माँ नहीं है, उसकी इच्छा पूरी हो गई है, वो बीमारी तो ना बच सकी। मैं बड़ा एहतियात कीता, पर एक जनूनी ने तलवार मार ही दिती। मखना, अंग्रेज किस तरह की आजादी दे के गया है सानू, मैनू तो समझ नहीं आती कि देना इन्हां वक्रे मुल्कां ने सानू। चंद लोगों दियां भुखां ने अपनी मां नू मार छड्या है। अच्छा यारा, मैं चलदा आ, मैं हुण पाकिस्तानी आ ना, तेनू हिंदुस्तान भेज देंगे, अल्लाह राखा होवे तेरा। तेरे छोटे दी सीटी मेरे को रह गई सी, तेनू ते पता ही है ना, ओनू सीटियां बजाउण दा बड़ा शौक है। जदों मैं परजाई नू लेके जा रहा था,
तामी वो सीटियां बजा रहा सी। मैनू डर सी कि किते उसकी सीटी किसे बंदूक नू ना सुन जावे। मैं रोंदे कुरलांदे कोलों खोल लई सी, बच्चा है ना ना बीमारियां नू नहीं समझदा। अल्लाह पाक अगे दुआए कि साडी धरती दे बच्चे इन्हां बीमारियां तो बचे रह। जदों मिले ओदी आ सीटी ओनू दे दवे। जानते हो आजादी मिल गई है, अब अंग्रेज आजाद हो गया है। ये सब मेरी कोशिशों की वजह से है। अरे तुम लोगों को तो देश का कोई फिक्र ही नहीं। कुर्बानी तो मैंने दी है। मेरी माँ मर गई, लाहौर और अमृतसर में बीमारी फैल गई है। असलम कहता था मेरी बीवी अमृतसर में महफूज है, लेकिन वो खुद लाहौर में, और मुझे हर जगह खतरा है। देखा कैसी लाजवाब बीमारी है। मेरी बाप मर गई, कहती थी मुझे कोई बीमारी नहीं लग सकती, लेकिन पहला ही अटैक हुआ और वो चल गई। अरे फिर क्या हुआ? मैं तुम लोगों की तरह बुजदिल नहीं हूं। मैं रोऊंगा नहीं, मैं रोऊंगा नहीं। तो अंग्रेज आजाद है और मैं उसका सिपाही हूं। मुझे मां से बात करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और भी सुन लो, असलम कहता था अब तो पाकिस्तान भी बन गया है। देखा अंग्रेज के वायरलेस सिस्टम का कमाल, उसने हमारे लिए क्या क्या नहीं पढ़ाया है। अब तो पाकिस्तान भी बढ़ा दिया है। चलो अब तो हो जाओ फौज में भर्ती। प्रोफेसर जी, ये आजादी की होती है? अरे बता तो दिया, आजादी आजादी होती है। मतलब अब अंग्रेज आजाद हो गया है, वो जो चाहे कर सकता है, इसलिए तो उसने पाकिस्तान बढ़ाया है।
पाकिस्तान की है? इसके बारे में मुझे नहीं पता, वो तुम प्रोफेसर जी से पूछो। मैनू तो ये भी नहीं पता केड़े सब्जेक्ट की गल हो रही है। घट्टो घट मैं साहित्य में पाकिस्तान का नाम नहीं सुनिया। हाँ, उंज हो सकता है किसे इंसाइक्लोपीडिया में इसका जिक्र होया होवे, पर साडे कॉलेज का बेवकूफ प्रिंसिपल कदे भी नवीं किताबां नहीं सी मंगवांदा हुंदा। ओनू तां हिंदुस्तान बारे कुछ नहीं सी पता, और पाकिस्तान बारे की दस सकता है? पर मैं हिंदुस्तान दे कोने कोने बारे जानदा, पर अंग्रेज ने पाकिस्तान किथे बनाया होवे? शायद समुंदर विच होना है, जहां मेरा ख्याल है पहाड़ा उत्ते होवे। पर मैं पूछदा ए हुंदा की है? मैनू जापदा है ए कोई ऐसी मशीन आ जिस उस्तरे बनते ने। पर अंग्रेज ने मशीन बनाई क्यों है? मेरी शीला नु ना दसना, वो डर जाएगी। कितने पाकिस्तान कुल्फियां जमाने वाले सांचा नु तो नहीं कहते? जे गल है मेरी शमशाद नु सुनेहा पहुंचा दियो, वो वापस आ जाएगी। अरे अंग्रेज ने इतनी बढ़िया चीज बनाई है और तुम लोग बात को हाथे में डाल रहे हो? तो फिर जरूर कोई डैम होगा या फिर चिड़ियाघर होवे। हाँ, अंग्रेज नु चिड़ियाघर बनाउण दा बड़ा शौक है। पंछियां नु वक वक खानियां च ताड़ दित्ता जांदा। तोता ते मैना भी वक वक पिंजरियां विच रहिंदे ने। ए गल फिर मेरी शीला नु ना दसना, नहीं तो कदे अंग्रेज दे चिड़ियाघर विच नहीं जावेगी। ते मैं कल्ला ही काम पड़पड़ांदा रहांगा। ਇਸਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਓਏ ਆਵੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅੰਗਰੇਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰੇ ਇਸਸੇ ਕਿਆ ਫਰਕ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਵੀ ਤੋ ਅੰਗਰੇਜ ਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਅਰੇ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਜਾਣਾ ਥਾ ਤੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਕੀ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਥੀ? ਇਤਨਾ ਖਰਚਾ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਆ? ਪਾਗਲ, पाकिस्तान कोई चिड़िया करता नहीं। पाकिस्तान कोई चिड़िया घर नहीं, एक वखरा मुल्क है, वखरा मुल्क। तुसी इस वेले पाकिस्तान विच रह रहे हो। लो ए शोलो भी हो गया जे पागल। ओए ए पाकिस्तान नहीं, पागल खाना है नाले। ओ पगड़ा फांसी चढ़ना, अपा ते फांसी चढ़ना ही नहीं। पर उसने मेरी शीला नू क्यों नहीं भेजा? जे साला लप पवे तां कटहरे विच खड़ा कर दिया। मुल्क दे दो हिस्से हो गए ने, एक दिन हिंदुस्तान ते दूजे दिनों पाकिस्तान है। अरे मुल्क भी कभी एक के दो हुए हैं? मैंने 17 साल की अंग्रेजी फौज की नौकरी में आज तक ऐसी बात नहीं सुनी, और ना ही मुझे वायरलेस पे कोई मैसेज मिला है। मैनू तो सिर्फ इतना पता कि भाई दो मुल्क बन गए ने, पूरे दो मुल्क। ये पाखो के भी पूरे किवें बन सकते ने? और तू इस दरख्त दे दो दरख्त ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ? ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ IPC ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਾਗਲਾ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੋਰਾ ਸੱਚਮੁੱਚੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਬਾਬਾ, ਮੈਥੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
पता पाकिस्तान की है? बच्चा सिंह तो पूछ लो। बच्चा सिंह टेक से आ दस इन्हों दस इन्हों का पाकिस्तान की है? अपर दी कर दी बैठ ध्यान दी मूंगी दी दाल पाकिस्तान अब पाकिस्तान अब पाकिस्तान अब हेलो हेलो दीदी 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 101 स्पीकिंग। लड़ाई जोरों शोरों से जारी है लेकिन दुश्मन की पीठ लगी हुई है, अंग्रेज की पॉलिसी को कोई खतरा नहीं। अजी नवी कहानी किसी दोस्त को रोटी।